भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यालय पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी अब्दुल बासित को सौंपा। ज्ञापन में संघ के पदाधिकारियों ने खाद बीज की कालाबाजारी पर रोक लगाए जाने की मांग की और समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाए, वापस किए गए कृषि कानून को संशोधित कर दोबारा लागू किया जाए, किसानों को खाद बीज कीटनाशक खरीद पर रसीद अनिवार्य की जाए ताकि किसान प्रमाणित शिकायत कर सके, बिजली रोस्टिंग समय अवधि गर्मी व सर्दी के मौसम में एक समय की जाए, कृषि विभाग किसानों को केंद्र व बुआई के पूर्व पौधा व बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करे, पशुपालन हेतु शेड बिना ब्याज के कम 5 वर्ष के लिए दिलाए जाए, पशु किसान की सहमति से दिए जाएं, किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं तहसील ब्लॉक जिला स्तर पर एक ही बैनर तले हों, पशुओं की समस्या निस्तारण हेतु नगर फिनिशिंग सामूहिक रूप से कराई जाए। इस मौके पर भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष शिव कांदुबे, नाथुराम तिवारी, गिरीश सिकरवार, संतोष तिवारी, अनिल कुमार पदाधिकारी और भी मौजूद रहे। शिव कांदुबे, भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष। आज आपका ज्ञापन किस संबंध में है ये और किसको दिया गया है? हाँ, ये महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन मैंने भेजा है और एक राज्यपाल जी महोदय को मैंने ज्ञापन दिया है। किसान संबंधी जो समस्याएं हैं उनके संदर्भ में मैंने ये ज्ञापन दिया है। खाद बीज और ये आपके शासन से क्या क्या मांगे हैं? हमारी शासन से ये मांगे हैं कि खाद और बीज की जो ये कालाबाजारी हो रही है और इस पर विशेषकर ध्यान दिया जाए और समर्थन मूल्य जो है लाभकारी समर्थन मूल्य वह हमारी लोगों की मांग है। और जो ये तीनों कृषि कानून जो बनाए गए हैं वो कृषि कानून सही थे लेकिन कुछ लोगों ने उनका गलत उपयोग करके और शासन पर दबाव बना करके इन कानूनों को वापस करवाया है। या हमारी यही मांग है सरकार से कि किसान के हित में जो कानून बने हैं उनमें थोड़ा मतलब फेर बदल करके संशोधन करके और उनको लागू होना लागू किया जाए।